फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। टीना किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तिल के लड्डू। आज हम तिल के लड्डू बनाएंगे जो बहुत टेस्टी भी बनते हैं और पारंपरिक तरीके से बनाएंगे। बहुत इजी रेसिपी है, आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। आप प्लीज वीडियो को लाइक कर लें। सबसे पहले गैस पर हम पैन रखेंगे, इसमें लेंगे हम 100 ग्राम तिल। 100 ग्राम तिल लिया है मैंने यहाँ, व्हाइट तिल। इसे हमें रोस्ट करना है, बहुत ज्यादा रोस्ट नहीं करना है, हल्का हल्का रोस्ट करना है। बहुत ज्यादा रोस्ट करने से तिल में कड़वापन आ जाता है, इसलिए हल्का हल्का हम इसे 2-3 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पर। ये देखिए तिल हमारे चटकने शुरू हो गए हैं, थोड़ा थोड़ी आवाज आ रही है इसमें से चटकने की, तो हम समझ जाएंगे कि तिल हमारे रोस्ट हो गए हैं। इसमें से चटकने की आवाज आनी शुरू हो जाती है जैसे ही तिल सिकना शुरू हो जाता है। तिल हमारे अच्छे से सिक गए हैं, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तिल को बाहर निकाल लिया है, अब इस पैन में डालेंगे हम गुड़। गुड़ मैंने यहाँ लिया है 80 ग्राम। गुड़ को तोड़ के लेना है हमें, 100 ग्राम तिल, 80 ग्राम गुड़। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें गुड़ को मेल्ट करना है, कोई चाशनी रेडी नहीं करनी है हमें, सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है। आधा छोटी चम्मच डालेंगे हम इसमें देसी घी। ध्यान रहे गुड़ को लो फ्लेम पर ही मेल्ट करना है हमें, तेज नहीं करना है गैस को, नहीं तो गुड़ हमारा जल जाएगा। ये देखिए गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है, सिर्फ हमें मेल्ट करना है। अब इसमें डालेंगे जो तिल हमने रोस्ट करके रखे हैं वो डाल देंगे। गैस की फ्लेम को लो रखना है। 1/4 चम्मच डालेंगे इलायची का पाउडर, अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए गुड़ में अच्छे से मिक्स हो गए हैं तिल। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे जैसे ही मिक्स हो जाते हैं। अब हमें इसके गरम गरम के ही लड्डू बनाने हैं। थोड़ा थोड़ा तिल लेंगे हाथ में, थोड़ा पानी लगाएंगे सबसे पहले। मैंने यहाँ थोड़ा कटोरी में पानी लिया है, थोड़ा गुनगुना पानी ले लें और जितने बड़े लड्डू आप बनाना चाहते हैं बना लें। ये देखिए इस तरह से हम सभी लड्डू रेडी कर लेंगे, कितने इजीली बन रहे हैं। गरम गरम में ही बनाना है हमें। हाथ में पानी जरूर लगा लें, थोड़ा आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं। ये देखिए हमारे तिल के लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ झटपट बनने वाली, एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए। लड्डू हमारे बनकर रेडी हो गए हैं, खाने में बहुत टेस्टी बने हैं। इसे आप कई दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर ले न्यू मोर रेसिपीज के लिए। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।